मानना तो ये है कि मामा ने ये जो कांग्रेस के ऊपर जनाधार को लेके बात कही है वो सरासर गलत है। सबसे पहले तो मामा को ये समझना चाहिए कि आज भिवंडी लोकसभा के अंदर कांग्रेस का जनाधार है, पूरे लोकसभा के अंदर ये सभी लोकसभा के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, और खास तौर से भिवंडी शहर जो ईस्ट और वेस्ट है वो कांग्रेस का ही है, इतिहास रहा है, ये इंडिया अलायंस की गठबंधन की वजह से सीट शेयरिंग में राष्ट्रवादी को ये सीट चली गई, उसमें सबसे बड़ा अगर योगदान है तो वो कांग्रेस का है, ये मामा को मानना चाहिए। और मेरा मानना है कि मामा को ये बोलना नहीं चाहिए था, क्योंकि आज भिवंडी लोकसभा से अगर चुन के आए हैं तो उसमें कांग्रेस का बड़ा योगदान है, समाजवादी का बड़ा योगदान है, सेना का बड़ा योगदान है, तो सबसे पहले तो उनको भिवंडी शहर के हित में काम की बात करना चाहिए, ना कि राष्ट्रवादी को बढ़ाने की बात करना चाहिए या कि दावेदारी ठोकना चाहिए। दावेदारी ठोकने से हमको इनकार नहीं है, इनकार सिर्फ इस बात से है कि उन्होंने जो बोला कि 2009 से लेके आज तक भिवंडी शहर में कोई कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं रहा, तो 99 में रशीद ताहिर चुन के आए थे, लेकिन कांग्रेस के अंदर थोड़ी मोड़ी कमियां हैं, रनिंग कैंडिडेट की भी टिकट काट देते हैं क्योंकि मिसगाइड करने वाले बहुत सारे लोग हैं। इसी वजह से 2004 में हो सकता हार गया, एमपी का इलेक्शन 2009 का सुरेश तावरे चुन के आए, आप सबके मालूमात में है, 2014 में उनकी टिकट काट दी गई, और 2014 में देश के अंदर एक लहर चल रही थी, पूरे देश में अच्छे अच्छे लोग हार गए, भिवंडी शहर में कोई हार गया तो नई बात नहीं है, और 2019 में भी वही हुआ है, उसके बावजूद भी सुरेश तावरे ने 2,75,000 वोट लिए कांग्रेस से, पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा अगर वोट किसी को मिली है तो वो कांग्रेस के कैंडिडेट को मिली है 2019 के एमपी के इलेक्शन में, ये मामा को ध्यान देना चाहिए और मामा को इस पे समझना चाहिए, शहर के अंदर कांग्रेस का ही जनाधार है। 2004 में जब शोएब गुड्डू इलेक्शन लड़े थे, उस टाइम एमपी का एनसीपी का भी कैंडिडेट खड़ा हुआ था, उस टाइम एनसीपी के कैंडिडेट रशीद ताहिर थे मेरा ख्याल है, उन्होंने 16,000-31,000 वोट काटे और शोएब को कितना वोट मिली थी, 39। तो जनाधार किसका है, एनसीपी का है कि कांग्रेस का है, ये सब डिटेल देखना चाहिए और समझना चाहिए, फिर बयान देना चाहिए। और शहर मैं तो बोलूंगा कि मामा को जो भिवंडी शहर की जनता से वादा किए हैं, अनेक वादे, उसके ऊपर विचार करके वो काम करना चाहिए, टाइम जाते देर नहीं लगता है, ये भिवंडी की जनता है, अगर आपने काम नहीं किया है तो ये जनता लाना जानती है तो जनता निकाल के फेंकना भी जानती है, ये समझने की जरूरत है। कांग्रेस के ऊपर ब्लेम मत करो, कांग्रेस की देन है जिसकी वजह से आप आज यहाँ पे चुन के आए हो, तो ये मानना चाहिए। दूसरी बात, शहर के अंदर अनेक पार्टियां हैं, जिसका मन चाहता है वो वहां जाता है, अगर मेरी तरफ मेरी पार्टी में कोई आ रहा है तो उससे पारेज क्यों है, क्यों जलीस हो रही है अंदर से, वो नहीं होनी चाहिए। आज विलासहार पाटिल अगर पार्टी के अंदर शामिल हो रहे तो उससे आपको दर्द क्यों है, एक हम्माम में सब नंगे हैं, कोई सच्चा नहीं है,
अगर विलास आर पाटिल ने राष्ट्र कांग्रेस के 18 नगर सेवक को ले जाके महापौर बनाया है, तो वो आज जो भागे हुए नगर सेवक है उनको शरण किसने दिया है, आश्वासन किसने दिया है, आज वो कौन सी पार्टी में है? आज भिवंडी शहर की राष्ट्रवादी आप देख लो कि उसके अंदर जो लोग बैठे हैं वो कौन लोग बैठे हैं, जो आज राष्ट्रवादी चला रहे भिवंडी शहर के अंदर वो कौन लोग हैं? अरे सब कांग्रेस से निकाले हुए लोग हैं। आपके पास तो आदमी नहीं है, तुम्हारे अपने बनाए हुए तो आदमी नहीं है, इसलिए यहां वहां से खींच रहे हो, जो आ रहा है उसको उठा के डाल रहे हो। 1999 से गठबंधन चल रहा है, कहीं ना कहीं पवार साहब कांग्रेस के एक हिस्सा है, उनको मैं बहुत मानता हूं, वो पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। जब से लेके आज तक मैं ये समझता हूं कि अगर कांग्रेस से निकल के बंडखोरी करके कोई जाता है तो राष्ट्रवादी को स्वीकार नहीं करना चाहिए उसको, लेकिन राष्ट्रवादी उनको गले लगा रही है। इसका मतलब है कि एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलें।